वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएल में जेई की वैकेंसीज आ चुकी हैं और जेई के फॉर्म बहुत ही जल्द अब ऑनलाइन होने वाले हैं। तो जेई की वैकेंसी आने के बाद जो आईटीआई वाले छात्र हैं उनके अंदर और ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही उत्सुकता बढ़ गई है ये जानने के लिए कि यूपीपीसीएल में अब अगली वैकेंसी यानी TG2 की वैकेंसीज कब आ रही हैं और क्या ये वैकेंसीज आ भी रही हैं या नहीं। और इसी संबंध में एक और PDF है जो कि वायरल हो रहा है और वो PDF बताया जा रहा है कि ये UPPCL में प्राइवेटाइजेशन जो है उसी की तरफ एक कदम है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जितनी भी UPPCL में TG2 की वैकेंसीज हैं वो अब प्राइवेट हो जाएंगी और अब जो भी भर्ती होगी वो प्राइवेट कंपनी के हाथों होगी। आप लोग में से बहुत सारे छात्र मुझे ये फ़ोटो भेज रहे थे, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये sarkaririzult.com पर ये एक वैकेंसी है। इस वैकेंसी का फ़ोटो बहुत सारे छात्रों ने मुझे भेजा और सबने मोस्टली सेम ही सवाल किया कि क्या ये वैकेंसी सच है, क्या ये रियल है, क्या अब UPPCL में TG2 की वैकेंसी नहीं आएगी। तो अब इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि कितना सच है और कितना झूठ है और क्या ये जो वैकेंसीज हैं क्या ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अब UPPCL प्राइवेट होने वाला है और अब UPPCL में जितने भी ITI वाले पद हैं चाहे वो लाइनमैन के हों चाहे वो TG2 के हों अब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही रखे जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन तक ये बात पहुँच जाए कि इसकी सच्चाई क्या है और असल में है क्या। बात करते हैं अगर इस जो रिक्रूटमेंट की नोटिस है तो इस रिक्रूटमेंट की जो नोटिस है उसमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है सामने वो है BECIL। तो आइए आपको बताते हैं कि ये जो BECIL है ये एक्चुअल में है क्या। BECIL का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, यानी ये एक कंसल्टेंसी है, ये एक कंसल्टेंट सर्विसेज है जो कि अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मैन पावर प्रोवाइड करती है। अब कंसल्टेंट होते क्या हैं, सपोज करिए कि आप एक रिक्रूटर हैं, आपको लोग चाहिए हैं और हम एक कंसल्टेंट हैं जो कि हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आपने हमसे कहा कि हमको रिक्रूटमेंट करना है तो हमने मार्केट से लोगों को बुलाया और आपका इंटरव्यू करके आपको हमने आपकी कंपनी में अपॉइंट कर दिया। तो ये जो हम हैं ये हम हैं एक जो कंसल्टेंट हैं वो हैं और आप कि कंपनी को जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो हो रहा है लेकिन जो आदमी रखे जा रहे हैं वो डायरेक्टली आपकी कंपनी में ऑन रोल नहीं हो रहे हैं, वो हमारे थ्रू रखे जा रहे हैं यानी थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट इसे कहते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट जो होता है ये मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद वो रिक्रूटमेंट भी आपका पूरा हो जाता है और फिर से मोस्टली जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये जो भी आपका प्रोसेस है ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि UPPCL में जो भी प्राइवेट जो लोग रखे जाते हैं संविदा पर वो अब ठेकेदारी सिस्टम नहीं रहेगा, अब एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू ही रखे जाएंगे। तो ये जो BECIL है ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो रिक्रूटमेंट करती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करती है और ये जो है ये उसी का ही प्रोसेस है। तो अगर इसमें लोग रखे जा रहे हैं तो इसका कहीं से भी UPPCL के TG2 वैकेंसीज से कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें जो भी रिक्रूटमेंट हो रहा है इसमें अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों ही तरीके के रिक्रूटमेंट हो रहे हैं और दोनों की सैलरीज भी आपको दे रखी है बहुत ही कम है, जो कि एक नॉर्मली जो आप जाके किसी भी संविदा कर्मचारी को देखेंगे उसकी ही सैलरी के आसपास इसमें भी सैलरी रखी गई है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से रिक्रूटमेंट नहीं होगा भविष्य में या फिर अब UPPCL में प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और अब कभी भी TG2 की वैकेंसीज गवर्नमेंट वाली नहीं आएगी। ये अलग प्रोसेस है, वो अलग प्रोसेस है और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि UPPCL में TG2 की वैकेंसीज आने वाली हैं, आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए। जो कह रहा है कि वैकेंसीज नहीं आएगी आप उनको बोलने दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि UPPCL में वैकेंसीज आ रही हैं। बहुत से ऐसे भी थे जो कहते थे कि UPPCL में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, JEE की भी नहीं आएगी, AE की भी नहीं आएगी और TG2 की भी नहीं आएगी, लेकिन उनकी बात गलत साबित हुई और UPPCL में JEE की वैकेंसी आ गई है। अब इसी तरह UPPCL में AE और TG2 की वैकेंसीज भी आएंगी, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो कि BECIL ने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एकदम ही समय से परे हैं। नंबर एक, ये केवल 10 दिन का इसमें टाइम लिमिट दी गई है, केवल 10 दिन में
जो भी रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो जो इनवाइट किए गए हैं वो केवल 10 दिन के लिए किए गए हैं। ये टाइम लिमिट भी बहुत कम है, जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा होती है, करीब 20 से एक महीना होती है, 20 दिन भी रहती है, किसी किसी में एक महीना रहती है। दूसरी चीज़, ये एक प्राइवेट रिक्रूटमेंट होने के बाद भी इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस रखी है, और ये एप्लीकेशन फ़ीस भी 500 रुपये है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई 8,000 की प्राइवेट नौकरी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है उसके लिए अगर आप अप्लाई करवा रहे हैं तो उसके लिए आप 500 रुपये फ़ीस ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी मान्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी अमान्य है। तीसरी चीज़, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें फर्स्टली तो इसमें आपका एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर अभी आप पास आउट हुए हैं या फिर आप कई सालों से गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी काफ़ी टिपिकल है। पहले आपको इसमें जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद एग्ज़ाम में से शॉर्टलिस्ट लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपको जॉब मिलेगी। ये प्रोसेस कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि आपको एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह रिक्रूट कर रही है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है, एक्चुअल फैक्ट ये है कि आपको एक थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट के तौर पे आपको जोड़ा जा रहा है, जो कि आप कहीं से भी UPPCL से लिंक नहीं रहेंगे, आप एक प्राइवेट कंपनी से लिंक रहेंगे जो कि आपको मात्र 8,000 के आसपास में सैलरी देगी। तो अगर 8,000 सैलरी देना है तो उसके लिए इतना प्रोसेस और इतना इंटरव्यू और ये सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल समझ से परे है। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। UPPCL में TG2 की या फिर JEE की आपको अच्छी तैयारी करनी है तो उसके लिए आप एक ही जगह है आपके पास, बहुत ही अच्छी जगह, वो ये है कि आप इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस में आइए और आ करके कम समय में आप अच्छी से अच्छी तैयारी करिए और सिलेक्शन का चांस अपना बढ़ाइए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लखनऊ नहीं आ सकते तो आप अपने घर बैठे स्टडी मटेरियल और वीडियोस के माध्यम से आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी हाँ, स्टडी मटेरियल और वीडियोस दोनों ही प्रोवाइड करी जा रही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका स्टडी मटेरियल रेडी है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल का स्टडी मटेरियल हिंदी में लेना चाहते हैं तब भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, अगर आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं तब भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस स्क्रीन पर नंबर को आप सेव करिए, उस पर व्हाट्सएप करिए और व्हाट्सएप से आप डिटेल्स ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें बताई गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर सही लगी है तो इसको शेयर करिए और इलेक्ट्रिकल विजन से जुड़े रहिए और आगे आने वाली वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।